वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स टुडे वी विल टॉक अबाउट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए मैग्नेट्स आखिर हम कहते किसको हैं। ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज नोन एज ए मैग्नेट। यानी कि हर एक वो सब्सटेंस जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को, स्मॉल पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक, और अगर उसको फ्रीली हैंग किया जाए एक थ्रेड में बांध कर, वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट्स करे, इंडिकेट करे, रुके, तो इस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मैग्नेट। अब देखिए, ये एक मटेरियल है जो कि आयरन के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी है इसके अंदर। दूसरा कि जब उसी मटेरियल के किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्रीली हैंग किया थ्रेड से बांधकर, तो यह देखिए साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेट करते हुए रेस्ट में आया, रुका। तो इससे क्लियर होता है कि जिस भी मटेरियल को हम मैग्नेट कह रहे हैं उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की, आयरन वगैरह के ऑब्जेक्ट को, और दूसरी जब उसे फ्रीली हैंग किया जाए तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से रुके। तो इस तरह के सारे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट। अब देखिए, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है और उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। आप सब ने इस कहानी को सुन रखा होगा। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो है ग्रीस में एक जगह मैग्नेशिया है, वहाँ पर एक सेफर्ड यानी चरवाहा था। वह चरवाहा रोज अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता था ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए पहाड़ पर, ठीक है, और वहाँ जाता था और वह एक स्टिक रखा हुआ था अपने साथ, और उस स्टिक में एक आयरन की कैप लगा रखा था। ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में इसलिए उसने लगा रखा था। लेकिन एक बार उसके साथ बड़ी रहस्यमय घटना हो गई। जब वह एक रॉक के पास पहुंचा, यहाँ देखिए इसमें, तो वो रॉक इसके जो स्टिक में आयरन की कैप लगी हुई थी उसको अपनी ओर पुल कर रहा था, और इतनी तेज़ी से पुल किया कि वह इसके हाथ से छूटकर जो स्टिक है वो इस रॉक के पास जाकर स्टिक हो गई। तो अब यह बात इसने वहाँ के लोगों को बताया, तो जो ग्रीस के जानकार लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इसका स्टडी किया, और स्टडी किया तो पाया उन लोगों ने कि ये जो रॉक है इसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल गुण है जो कि किसी भी आयरन वगैरह से बने हुए मेटल को, मेटल से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ देखिए एक बड़ी अच्छी बात जानने की ये आई कि ये जो ग्रीस के लोग थे, इन लोगों ने इस मटेरियल के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया, ठीक है। ग्रीस के लोगों ने इस मटेरियल के अट्रैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाया। और मैग्नेट नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये मैग्नेशिया नामक शहर में मिला था, और जो सेफर्ड था उसका नाम मैग्नस था, तो इसी के आधार पर इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। एक और रीजन है, अभी आगे बताता हूँ कि एक और रीजन है जिसके कारण इसका नाम मैग्नेट पड़ा। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो मैग्नेट है उस मैग्नेट की जो है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को खोजने वाले कौन लोग थे, ग्रीस के लोग थे, ठीक है। और ये चूंकि देखिए नेचुरली मिला हुआ मैग्नेट है, प्रकृति में, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट था, हमने तो इसे बनाया नहीं है, इसलिए ये नेचुरल मैग्नेट भी कहा गया। अब एक और अच्छी बात जानिए, जब मैंने अभी एक बात बताया कि इस मटेरियल को
या इसके टुकड़े को जब एक थ्रेड से बांध करके हैंग किया गया फ्रीली, तो ये बार बार नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर रुक जाता था, बार बार नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुक जाता था जब इसे फ्रीली हैंग किया गया, लटकाया गया। तो ये काम किसने किया? ग्रीस के साइंटिस्टों ने नहीं किया ये काम, ये काम किया चाइना के साइंटिस्टों ने, चाइनीज ने किया। उन लोगों ने मैग्नेट के डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को ढूंढा, डायरेक्शन बताने वाली प्रॉपर्टी को ढूंढने वाले कौन लोग थे? चाइनीज लोग थे। और मैग्नेट के अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को ढूंढने वाले कौन लोग थे? ग्रीस के लोग थे। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेज में आपने पढ़ा भी होगा, जो कंपास है उसको किसने बनाया था? कंपास वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज, चाइना के लोगों ने कंपास को बनाया था। ठीक, और जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है उसको ढूंढा था ग्रीस के लोगों ने। तो ये जो नेचुरल मैग्नेट हमको मिला, एक्चुअल में ये नेचुरल मैग्नेट और कुछ नहीं, एक ओर है। ठीक है, ए फ्लैट पीस। अब देखिए क्या होता है कि ग्रीक्स फाउंड दैट ए नेचुरली ऑकरिंग आयरन ओर कॉल्ड मैग्नेटाइट कुड अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। ये आयरन ओर है, ओर मीन्स अयस्क होता है, मिनरल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आयरन ओर है जो कि मैग्नेटाइट है इसका नाम, और ये स्मॉल पीसेज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और ए फ्लैट पीस ऑफ दिस ओर विथ व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इससे किसी भी टुकड़े को लेकर जब फ्रीली हैंग किया गया तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुक रहा था। ठीक है, तो दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइट आर टर्म्ड एज मैग्नेटिज्म। जो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है इसके अंदर अट्रैक्ट करने वाली और बार बार साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रुकने की, इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। द आयरन ओर इज एन आयरन ऑक्साइड हुज केमिकल फार्मूला इज Fe3O4। समझे? और इस नेचुरल मैग्नेट को, इस नेचुरल ओर को जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी है, इसको ब्लैक स्टोन भी कहते हैं, इसे लोड स्टोन भी कहते हैं, लीडिंग स्टोन भी कहते हैं, और तो और किसिंग स्टोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक वो मेटल के मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि नेचुरल मैग्नेट्स आर इरेगुलर इन शेप, मोर ओवर दे आर वीक मैग्नेट्स। उनका शेप और साइज रेगुलर नहीं होता है, और उनके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है वो पावर भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वीक होता है। जब हम लोग नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में अच्छी तरह से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, और इसको किस किस नाम से बुलाते हैं ये भी जान चुके हैं, तो अब हमें जानना चाहिए आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब होता है ना ऐसे मैग्नेट जिसको हमने बनाया है, मैन मेड मैग्नेट। ये तो नेचुरल मैग्नेट था, ऐसा मैग्नेट जो ह्यूमन ने बनाया उसे मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो ये मैग्नेट बनता कैसे है? तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है कि एन आयरन बार कैन बी मेड ए मैग्नेट बाय रबिंग इट विद ए नेचुरल मैग्नेट। अगर एक आयरन बार आप लें, एक लोहे का छोटा टुकड़ा ले लें आप, और उस पर नेचुरल मैग्नेट से रब करें, एक तरफ से दूसरी तरफ रब करें, रगड़ें इस पर, तो क्या होगा? धीरे 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 इस आयरन बार के अंदर भी मैग्नेटिक मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाएगा। इस तरह के मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं? मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट। आप देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ये होते हैं, बार मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडिल, ये सब मैन मेड मैग्नेट्स हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जिसको ह्यूमन ने बनाया अपने ज़रूरत के लिए। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट और मैन मैग्नेट दोनों मैंने समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।